क्या बताऊँ मैं, मेरे को ही पता है फीलिंग। पर इसके अंदर जो खासियत है ना वो ये है, इतनी बड़ी रसमलाई देखी है लिटरली, इसका कुछ करना पड़ेगा भाई। सेव बेस्ट फॉर द लास्ट, ये बहुत फेमस है इसी चीज के लिए। रसमलाई, गुलाब जामुन, ब्रेड पकौड़ा, इसकी कहानी आगे बताऊंगा। और ये इसके साथ की सब्जी है। रसमलाई का साइज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने खाई थी, किसी ने घर में मंगाई थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ से आई है भाई ये रसमलाई? कह रही है आई है गोपाल से, कमला नगर। मैंने कहा ये तो नेक्स्ट मक्तांग होने वाला है, ये देख लो ज़रा एक बार। इतनी बड़ी रसमलाई देखी है लिटरली, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसी दिन सोच लिया था, मैंने कहा नहीं, इसका तो मकबान बनता है। ये हाफ पीस है, रसमलाई बुरी हो ही नहीं सकती। और ये वाली एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छी है, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख ली थी, 1 घंटे से फ्रिज में रखी हुई थी, ठंडी ठंडी, गर्मियों में ठंडी ठंडी रसमलाई। और ये गुलाब जामुन, बहुत ज्यादा मीठे हैं ये। मैंने इतने मीठे नहीं खाए गुलाब जामुन, बहुत ज्यादा टेस्टी है पर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्या बताऊँ मैं, मेरे को ही पता है फीलिंग। पर गुलाब जामुन उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होते हैं। ये बीकानेर वाले के हैं, ये गोपाल स्वीट्स कमला नगर, ये फेमस है इसके लिए। अभी बताता हूँ, इतने सालों से ब्रेड पकौड़ा खा रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा ब्रेड पकौड़ा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये बहुत फेमस है इसी चीज के लिए। साइज देख लो एक बार, मेरे को लगता है आपने भी देखा होगा। जो लोग दिल्ली से होंगे उनको पता होगा, जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं उनको नहीं पता होगा। इसकी एक खासियत और है, इसके अंदर पनीर का पीस, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, सो सॉरी। पर इसके अंदर जो खासियत है ना वो ये है, पनीर का पीस देख लो, 100 ग्राम का पीस डालते हैं पनीर का एक ब्रेड पकौड़े के अंदर।
स्वाद। ब्रेड पकौड़ा खाओ ना, इसका खाओ पर ना मत खाओ। और ये छोले की सब्जी, ब्रिलियंट। वहां पे जाओगे 40 रुपीज का है ये, 40 रुपीज। मतलब ये पूरा और सब्जी अलग देते हैं। इससे अच्छा ब्रेड पकौड़ा मेरे को नहीं लगता दिल्ली में कहीं मिलेगा। मेरे को याद नहीं गुलाब जामुन में इतना चाशनी कब होती थी, मेरे को याद नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि मैं कम्युनिकेट करूं, बातचीत करूं या नो टॉकिंग वीडियो दूं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बोला था कि बातचीत करो, बातचीत करते हुए अच्छे लगते हो। एक या दो लोगों ने कमेंट किया था नहीं थोड़ा कम बोलो, पर बाकी सब ने बोला कि बोलो, तो हम बोल रहे हैं। नहीं होता यार गुलाब जामुन में इतनी चाशनी, पता नहीं। आशीष मिश्रा जी ने बोला लास्ट वीडियो में, भैया आप बहुत अच्छे लगते हो खाते वक्त, थैंक यू सो मच। और मुझे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं खाते वक्त अच्छा लगता हूँ, तो थैंक यू सो मच। सिमरनजीत सिंह जी आजकल बहुत कमेंट कर रहे हैं, पुरानी वीडियोस में भी और लेटेस्ट में भी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉमेंट्स। काफ़ी पुरानी वीडियोज में भी कर रहे हैं, इसका मतलब देख रहे हैं पुरानी वीडियोस भी। वैशाली वघेला इन्होंने बोला रेसिपीज की वीडियोस भी बनाओ। अब रेसिपीज की वीडियोस और भी लोग बोलते हैं बनाने को, पर इस वाले चैनल का ही आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और लाइक नहीं कर रहे, दूसरे चैनल की तो क्या ही सोचें। और इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अभी तक 350-400 व्यूज हैं, कुछ भी व्यूज नहीं। चैनल पे तो रेसिपी की वीडियोस नहीं डालूंगा, और दूसरे चैनल की अभी मैं फिलहाल सोच नहीं सकता। फन अकाउंट ने भी एक कमेंट किया हुआ है, यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा। अंडररेटेड, वही जो सब लोग बोलते हैं पर कर कुछ सकते नहीं है, इसीलिए हम ब्रेड पकौड़ा एंजॉय करते हैं बस।
पर कमेंट बहुत अच्छा किया था, एक बारी पढ़ लेना। इसका कुछ करना पड़ेगा भाई। सेव बेस्ट फॉर द लास्ट। Mm-hmm.